नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू नेशन वाइज। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद गोंडा के मुख्यालय पर। सर्वप्रथम तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि मैं जनपद गोंडा के मुख्यालय पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख रहे होंगे ठीक मेरे पीछे एक प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की लगी हुई है, जिनके द्वारा संविधान लिखा गया। आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर यहाँ पे उपस्थित लोग माल्यार्पण करके चरण स्पर्श कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दूर से आए हुए लोग। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आई और उनके द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, उनके द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मैं चल करके यहाँ के उपस्थित लोगों से जानूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है न्यू नेशन वॉइस में दादाजी आपका। हाँ, बाबा साहब के माइक को छोड़ करके बाबा साहब के मनोकामना के लिए हमेशा हमेशा के लिए मैं धन्यवाद हूँ। इनका जब तक रहेंगे जीवन में, इनका स्वागत हम करते रहेंगे, हम इनके पीछे दौड़ते रहते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों। जिन्नू लाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये प्रतिमा जो यहाँ पे मुख्यालय पे लगी हुई है, इस प्रतिमा का की स्थापना कब हुई थी आप बताएं। ये स्थापना हो गया 1883 में हुआ था जी, जिसमें हम लाठी खाए थे, छोटी सी मूर्ति रखे थे जी। हीरा सिंह कोतवाल हमको मारे थे जी। रमेश गौतम थे और हमारे माननीय चौधरी राम अवतार जी थे। ये किस सन की बात है दादा? उसी समय की बात है जी। अच्छा, प्रतिमा देवी अशोक डॉक्टर थे, उन्होंने हमको बल दिया था, हमने छोटी सी मूर्ति लगाए थे, हमको लाठी से मार करके गिरा दिया गया, लेकिन हम मूर्ति नहीं छोड़े, मूर्ति लगाए, आज भी मूर्ति खड़ी है और उनके शरणागत में हम हमेशा रहते हैं। क्या स्थापना जब हुआ था तो उस दौरान आप मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद थे। अच्छा, आपके एक और भी साथी कोई मौजूद हैं जब स्थापना हुई थी? हाँ है, हैं जी, वो रमेश गौतम है, एक सरस्वती है, लखनऊ है जी। और भी दर्शकों से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। और उसके बाद जब वो नहीं रह गए तो उनका लड़का राम अवतार का जी, लड़का भी है यहाँ, तिलक राम कनौजिया भी है जी, हैं जी, सभी हैं जी। मैं और भी यहाँ पे उपस्थित लोगों से जानना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका न्यू नेशन वॉइस में। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के आज जो आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे महापुरुषों को उनसे प्रेरणा मिली है और हम लोग अपने समाज और अपने परिवार को शिक्षित और संगठित रहने का एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपने परिवार को एक शिक्षा के तरफ अग्रसर करें, जिससे समाज में आगे आने वाली पीढ़ियों को अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिले। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तिलक राम कनौजिया है, मैं इस जिले का ही रहने वाला हूँ और मैं इस संत गाड़गे मिशन, अखिल भारतीय संत गाड़गे मिशन का मैं देवीपाटन मंडल अध्यक्ष भी हूँ। अभी जिस संगठन का आपने नाम लिया, वो संगठन किस उसमें काम करती है, क्या सामाजिक कार्य के लिए हमारा संगठन बना और समाज की सेवा करने के लिए हमारा समाज निरंतर काम कर रहा है। हमारे साथ एक महानुभाव मौजूद है, मैं चल करके बाबा साहब से के बारे में आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका परिचय लूँगा। न्यू नेशन वॉइस में आपका स्वागत। मेरा नाम दंत किशोर वर्मा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको जो है बाबा साहब के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया। परम पूज बाबा साहब को सबसे पहले हम नमन करते हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए परम सौभाग्यशाली दिन है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस लागू हुआ। लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद भारतीय संविधान की व्यवस्था से भारत देश चलना शुरू हुआ, जिसके तहत इस देश में मजलूम, कमज़ोर, गरीब, शोषित, पीड़ित सभी लोगों को समान रूप से, जो देश में विषमतावादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके भारत देश में संविधानिक व्यवस्था से लोगों को जीने का हक अधिकार मिला।
आज का वो शुभ अवसर दिन है और जिसमें आज पूरे भारत क्या पूरे विश्व में गणतंत्र दिवस बड़े जोर शोर से और हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं और बाबा साहब का ये समाज ऋणी है, क्योंकि बाबा साहब ने अगर भारतीय संविधान लिख करके शोषित पीड़ित कमजोर तबके के लोगों को अवसर नहीं दिया होता तो आज जो हमारे लोगों के पास सम्मान है, शिक्षा है, अधिकार है, संपत्ति है, जो कुछ भी है वो परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत है। संविधान लिख करके बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों के लिए और खास करके महिला जगत के लिए बहुत बड़ा काम किया। वैसे तो बाबा साहब ने संविधान में जड़ जंगल जीव जंतु सबको व्यवस्था दी, कोई ऐसा इस धरती पर नहीं है जिसको ये जो है इसका लाभ ना मिला हो, समाज के सारे तबकों का लाभ मिला है। इसलिए हम लोग बाबा साहब के ऋणी हैं और उनके आज इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब, बाबा साहब, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जैसे कि देखा आपने बाबा साहब के बारे में कितनी बातें बताई, जितनी बातें कही है बहुत कम है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में यद पूरी दिन पूरा और पूरे माह महीनों कहा जाए तो उनकी बातें खत्म नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका न्यू नेशन वॉइस में सर। बाबा साहब यहाँ गरीब दुखिया अन्य पिछड़े लोगों को ऐसे संविधान बना दिया कि सबको जो है रोटी कपड़ा मकान ये सब नहीं मिलता था। इन्होंने अपने संविधान के बदौलत इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी है जिससे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े और इनके मिशन को बढ़ाएं आगे। जय भीम, जय भारत। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं चल करके बहन जी से भी जानूंगा कि क्या कहना चाहती हैं, बाबा साहब के बारे में परिचय भी लूंगा कहाँ से आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से चल करके लोग आते हैं। ये मंडल मुख्यालय है, यहाँ पे प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं। जी स्वागत है बहन जी आपका न्यू नेशन वॉइस। धन्यवाद सबको। आप अपना परिचय दीजिए सर प्रथम हमारे दर्शकों को। सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम सविता वर्मा है, मैं माता सावित्री फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष हूँ, गोंडा की रहने वाली हूँ। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज एक बहुत ही गर्व का दिन है ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके 26 जनवरी के बारे में और बाबा साहब के बारे में आप दो शब्द क्या कहेंगे? मैं इतना कहूंगी कि आज जो हम लोग को खड़े होने का बोलने का अधिकार मिला है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिला है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास से इसे मना रहे हैं, क्योंकि जितने अधिकार बाबा साहब महिलाओं को लिए दिया है उनको उनके बारे में जितना हम लोग कहें वो कम ही है। बाबा साहब ने बहुत त्याग किया, उन्होंने अपने बच्चों को खोया और तब हम लोग को आज इस बोलने का और यहाँ खड़े होने का अधिकार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से मैं जानूंगा, और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी परिचय लेना चाहूंगा। जी तो आप अपना परिचय दीजिए। स्वागत है न्यू नेशन वॉइस में। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। मैं गोंडा की रहने वाली हूँ, मेरा घर जौनपुर है, यहाँ पर रहती हूँ। जौनपुर से हैं आप? जी। देखिए कितनी गर्व की बात, जौनपुर से बहन जी हैं जो आकर के यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रही हैं, कितनी गर्व की बात जौनपुर से आई हुई हैं। बाबा साहब तो वो स्रोत है जो जिन लोगों ने महिलाओं को सम्मान न दे सका बाबा साहब ने वो करके दिखाया है, सारी वर्ग की महिलाओं को सम्मान दिया है। आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्या कहना चाहती है। मैं अनिता बाउद, मैं मेल निवासी जौनपुर की हूँ, गोंडा में मेरे हस्बैंड जॉब पे है। तो मैं बाबा साहब का जीवन जीती हूँ, मैं बाबा साहब को अपने दिल में उतारती हूँ, उनका जीवन जीती हूँ। तो मैं बाबा साहब के बारे में क्या बताऊँ, बाबा साहब तो पूरा सब कुछ दे दिया हमारा, हमको हमारा पूरा संसार दे दिए। बाबा साहब ना होते शायद हम यहाँ होते ही नहीं। तो मैं एक गीत के जरिए बताती हूँ आपको। जी बिल्कुल। संविधान लिखने वाले कितना
महान है तू, तेरी कितनी करूं बड़ाई, बहुजन की जान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, तेरी कितनी करूं बड़ाई, बहुजन की जान है तू। संविधान कितनी करूं बड़ाई, बहुजन की जान है तू। संविधान लिखने वाले, जय भीम नमः बुद्धाय। बाबा साहब, बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा। जी, आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे तरह तरह से गीत के माध्यम से, जयकारे के माध्यम से हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मना रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज के दिन ये गर्व का दिन है। मैं आपको पुनः फिर बता रहा हूँ, बाबा साहब के बारे में कितनी बातें कही जाए वो शब्द नहीं है कि बाबा साहब की कितनी तारीफ, क्योंकि आज जो हमें आपको अधिकार मिला हुआ है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन से हम आप जो भी आज कर रहे हैं बाबा साहब की देन है। जी, स्वागत है आप सभी का न्यू नेशन वॉइस में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना पता बताइए। मेरा नाम मनीता बौद्ध है। जी, कहाँ से है मनीता? रहने वाली तो मैं आजमगढ़ की हूँ। जी, आजमगढ़ से। देखिए, गए जनपद से, अभी आपको मैंने परिचय कराया थोड़ी देर पहले, जो जौनपुर से थी बहन जी, अब आजमगढ़, जो आजमगढ़ भी गए जनपद है, वहाँ से चल करके आई हुई है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो मैं आज खड़े होकर के जो बोल रही हूँ, ये मेरे बाबा साहब की ताकत, दी हुई ताकत है जो है, जो मैं बोल रही हूँ आज, जो मैं अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा कपड़ा पहनी हूँ, जो मेरा शान शौकत है, रोड पे जो मैं खड़ी हूँ, चौराहे पे खड़े होकर जो मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे बाबा साहब का दिया हुआ है। मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं बाबा साहब की वंशज हूँ। ये चीज़ तो मुझे एकदम मेरे शरीर में समझिए एकदम जोश पैदा कर देता है कि मैं बाबा साहब की वंशज हूँ। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, लेकिन आप जय भीम नमो बुद्धाय सबको। मेरा नाम सुनीता बौद्ध है। मैं जो यहाँ हूँ, जो ये सब पहने हूँ, सब बाबा साहब के बदौलत है। आज मैं बच्चों को जो पढ़ा लिखा रही हूँ, बाबा साहब के बदौलत है। जन्म होने से लेके मृत्यु तक बाबा साहब का ही वो है, हम लोग उन्हीं के उसमें जी रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे न्यू नेशन वॉइस चैनल के साथ बने रहिए। न्यू नेशन वॉइस के लिए गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।